Good morning, children. Myself, D.S. Kazi. Today we are going to learn sentence making. Sentence का मतलब क्या होता है? What is the meaning of sentence? Sentence means वाक्य. Making यानी बनाना. और उसमें हम लोग use सीखने जा रहे a and का. What is a and? A and बच्चों in English we say an is a article. क्या है ये? Articles है, अग्र शब्द जिनको हम बोलते हैं, पहले लगाने वाले, है ना. आपने नेमिंग वर्ड पढ़ा है नाउन, तो जो नाउन है उसके पहले हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं. तो लेट्स सी कि आर्टिकल्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल. तो इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में ए और एन आता है. इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट? इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, यानी जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, जिसके बारे में हमको यानी पहले से पता नहीं है, उसको हम इनडेफिनेट बोलते हैं. और डेफिनेट आर्टिकल क्या है? दी है, द भी बोलते हैं उसको और दी का भी प्रोनाउंस करते हैं कुछ. तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, है ना. अभी अनिश्चित वाली बात कैसे है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती. जैसे कि आप अपने मम्मी और पापा के साथ घर में बैठे हैं, ठीक है, अचानक से आपकी डोरबेल बजी, है ना, टिंग ट्रिंग ट्रिंग ऐसी आवाज़ आई. तो आपने पापा से क्या कहा कि पापा रुकिए, हम जाकर देखते हैं कि कौन आया है. अब आने वाला जो है वो बॉय है गर्ल है, यू डोंट नो. आपको पता है क्या पहले से कि आपके घर कौन आने वाला था? नहीं पता था, है ना. यानी निश्चित नहीं थे आप, डेफिनेट नहीं थे आप, इनडेफिनेट थे कि लड़का है या लड़की है. तो ऐसे जगह पर हम जो है आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं. इनडेफिनेट जगह पर वी यूज़ आर्टिकल ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड. देखो हम जो है ना ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं? वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट. जिन हम ऐसे संज्ञा शब्द के पहले ए जो है आर्टिकल उसका प्रयोग करते हैं जिसका साउंड यानी जिसकी जो आवाज़ है वो व्यंजन जैसी लगती है हमको, यानी कॉन्सोनेंट. और हम कहाँ यूज़ करते हैं ए और एन का यूज़? वन पर्सन, वन एनिमल, वन ऑब्जेक्ट और वन प्लेस के पहले करते हैं. क्योंकि ए का मीनिंग भी क्या होता है? ए मीन्स वन एंड एन ऑल्सो मीन वन. यानी किसी भी एक सिंगुलर यानी एक वचनीय जो संज्ञा शब्द है उसके साथ, यानी जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान है उसके पहले हम जो है अग्र शब्द आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है. यानी जो आवाज़ है आपके कानों में वो व्यंजन की सुनाई पड़नी चाहिए, तब आप क्या यूज़ करोगे? ए यूज़ करोगे, है ना. तो पहले ए आर्टिकल के कुछ एग्जांपल देखें. काउंटेबल सिंगुलर नाउन कहा है मैंने. काउंटेबल मतलब जिसकी आप गिनती कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे ये जो हॉर्स है, इस संज्ञा शब्द के हॉर्स क्या है? नेमिंग वर्ड. हॉर्स इज़ अ नेमिंग वर्ड. तो ये नेमिंग वर्ड के बिफोर में हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया? ए. हम इसको काउंट कर सकते हैं, ये सिंगल है हॉर्स, 1 2 3 4 5 6 इस तरह कर सकते हैं ना. अभी देखिए सेकेंड ये बॉय है, तो ये बॉय के पहले क्या लगा है? ए. क्योंकि जो बी है वो कौन सा वर्ड है? ये कॉन्सोनेंट वर्ड है. जैसे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं एज यू नो कि देर आर 5 वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, है ना. जो लेटर्स किससे स्टार्ट होते हैं? ए ई आई ओ यू से. तो उसे हम क्या बोलते हैं?
वॉवेल्स बोलते हैं, और जो हमारे जो रेस्ट बचते हैं 21 लेटर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं सॉरी यू नहीं आएगा यू वॉवेल है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अब हिंदी में आपको जैसे पता है स्वर अ से आहा तक है ना, स्वर ध्वनि के अक्षर है, और क से ज्ञ तक कौन से अक्षर कहलाते हैं? व्यंजन ध्वनि के अक्षर कहलाते हैं, उनको कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। तो जिनका व्यंजन की आवाज़ आती है उसके पहले आप ए जो है यूज़ करते हैं एक वचन में सिंगुलर, वन पर्सन वन प्लेस के लिए आप जो है जिसमें निश्चितता नहीं रहती, अनिश्चितता रहती, इनडिफिनिट बात रहती, ऐसे इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे। तो ये जो बी अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल नहीं है, ये नाउन वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, तो इसलिए इसके पहले हमने क्या लगाया है? ए लगाया है। ये बॉय की भी हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 है ना, कितने भी लड़के हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट पिक्चर किसका दिया है? गर्ल। अब ये गर्ल के पहले भी क्या लगा है? ए लगा है ना। तो जी जो है, जी क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट नाउन वर्ड है। कोई भी कॉन्सोनेंट नाउन वर्ड के पहले हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल ए यूज़ करते हैं, ये वॉवेल नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? ए लगाया है ना। तो जिसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट हो, जो कॉन्सोनेंट वर्ड से नेमिंग वर्ड स्टार्ट होते हैं उसके बिफोर में आपको क्या यूज़ करना है? ए यूज़ करना है ना। द वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, तो आपको क्या करना है? ए। अभी देखिए ये कैमल, सी भी क्या है? वॉवेल है क्या? नहीं, ये क्या है? कॉन्सोनेंट नेमिंग वर्ड है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम? आर्टिकल ए। ये भी काउंटेबल है, इसको भी हम गिन सकते हैं। अब एन का जो यूज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।